then we have absolute measures of dispersion. So in absolute measures of dispersion, we have range, we have interquartile range, we have mean deviation, we have variance, we have standard deviation. Okay, so these are the absolute measures of dispersion, because mean will give you an idea about the center of the distribution. But if we want to know the variation in data, then we have to use the measures of dispersion. So a rough measure of dispersion is range, which is the difference between the maximum and minimum value. So it is easy to calculate, but it has less use in data analysis. Then we have interquartile range. This is the difference between third quartile and first quartile. So this is also a measure of dispersion. And then we have mean deviation. You have studied in your statistics course. Mean deviation is also a measure of dispersion. But the most widely used measures of dispersion are the variance and standard deviation. So these are the most widely used measures of dispersion. So standard deviation we use as a measures of variability or dispersion. Variance is also used, but standard deviation is preferred over variance. Anyone can answer why standard deviation is preferred over variance? कोई आंसर? वो रेंज शो करता है सर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होते हैं, वन बाय वन दोनों. यस सर, क्योंकि वो स्क्वायर रूट होता है और वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज शो करता है. नहीं, प्लस माइनस की तो बात नहीं है. और कोई आंसर? सर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज सर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. नहीं, ये तो नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर है ना ये तो. सर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सर, ये एक्चुअली बताता हमें ये है कि जो कितनी डेविएशन है मीन से हमारी ना, ठीक है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू बताता है हमारा जो डिस्पर्शन होती है सर, जो वैल्यूज हमारी डिस्पर्स हो रही होती हैं मीन से. मैंने कब पूछा आपसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? मेरा सवाल ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रीफर करते हैं वेरिएंस पे, तो उसकी वजह क्या है? उसका रीजन मैं पूछ रहा हूँ. मैं इफ यू आंसर दिस आई विल गिव यू प्लस वन बोनस मार्क, बट यू हैव टू रेज योर हैंड, देन यू हैव टू आंसर. ओके, रेज योर हैंड. Repeat your question. Yes, my question is why standard deviation is preferred over variance as a measure of dispersion. You will get plus one bonus mark if you answer this. Raise your hand and then I will give you my answer. जी, किसी को नहीं आ रहा? मैं बता दूं, वो स्क्वायर रूट बताता है, स्क्वायर रूट बताता है सर वो वैल्यू का. क्या चीज स्क्वायर रूट बताता है? चले मैं आपको बता देता हूं. ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस की जो वैल्यू होती है उसका यूनिट वो स्क्वायर में होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होगा वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा. उसका जो यूनिट होगा वो ओरिजिनल
जो डेटा का यूनिट होगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट होगा। अब आप देखें ना, अगर मेरा एज है, एज का मेरे पास डेटा है और उसका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और उसका वेरिएंस निकाल लिया, तो अगर जो है 5 आ गया, अब एवरेज एज जो है वो 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 आ गया, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 5 पे वेरिएशन है ना, लेकिन उसका यूनिट जो है वही होगा, ईयर होगा ना, लेकिन वेरिएंस जो आएगा तो वो ईयर का जो है वो स्क्वायर में होगा, तो ईयर का स्क्वायर का जो यूनिट है उसकी कोई मीनिंग नहीं है ना, इसलिए हम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका यूनिट वही होता है जो कि ओरिजिनल डेटा का होता है। नेक्स्ट वील मूव टू रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सो दीज आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और रेंज। बट इफ़ सपोज वी हैव टू डेटा सेट, हमारे पास दो डेटा सेट हैं, एक डेटा जो है वो डॉलर में इनकम का डेटा है हमारे पास, दो ग्रुप का, एक का इनकम जो है वो डॉलर में है, दूसरे इनकम का जो डेटा है वो रुपीज़ में है। अब हमने देखना चाहते हैं कि इनकी एवरेज इनकम तो हम निकाल लेंगे, एक की जो है वो डॉलर में एवरेज इनकम आ जाएगी, एक रुपी की आ जाएगी, लेकिन हमें ये देखना है कि इनकी इनकम में वेरिएशन किस में ज़्यादा है, किस ग्रुप के इनकम में वेरिएशन ज़्यादा है। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो जिस ग्रुप का डेटा डॉलर में है तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होगा वो डॉलर में होगा, जो कि डेटा हमें रुपीज़ में है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट जो है वो रुपीज़ होगा, तो इस सूरत में जो है कंपेरिजन जो है वो डिफ़िकल्ट है ना, हम कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट मेजर यूज़ नहीं करते बल्कि हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें ये होता है कि जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें हम मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं और जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा अब जो है वो मेजर जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा, तो जो दोनों ग्रुप हैं उसका जो है वो जो डिस्पर्शन है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब एक पहले का भी 5% है, दूसरे का 8% है, तो हम ये कह देंगे जो दूसरा ग्रुप है उसके इनकम में वेरिएशन ज़्यादा है, तो वी हैव रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देन वी हैव मेजर्स ऑफ शेप, इसमें हम स्क्यूनेस है हमारे पास और कर्टूसिस है, तो स्क्यूनेस जो है वो दैट शोज़ द डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। आपने जो नॉर्मल जो डेटा होता है और जो नॉर्मल कर्व उससे बनता है तो वो उसका डेटा जो है वो सिमेट्रिकल होता है। आपने नॉर्मल कर्व देखा है, आपने वो बेल देखी है जिसको बजाते हैं, और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त एक बेल होती थी, जब हमें ब्रेक दिया जाता था तो उस बेल को बजाते थे, तो वो उस बेल का जो शेप होता था वो बिल्कुल वैसे ही होता था जिस तरह के एक नॉर्मल कर्व होता है। तो नॉर्मल जो डेटा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिससे नॉर्मल कर्व बनता है, तो वो उसमें डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री नहीं होती, वो सिमेट्रिकल होता है, और हम उस डेटा को सिमेट्रिकल डेटा कहते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे सवाल ही पूछ लूँ, हम किस डेटा को सिमेट्रिकल डेटा कहेंगे? हम कहेंगे ये डेटा जो है वो सिमेट्रिकल है, यस, एनी आंसर? आपने पढ़ा है सर, दोनों तरफ डिस्कशन बराबर हो, जी जिसकी मीन की दोनों तरफ डिस्पर्शन बराबर हो। नहीं नहीं नहीं, कौन सा जो डेटा है वो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल है और उसमें इसमें रेंज सेम हो सर, डिफरेंस वैल्यूज में सेम है रेंज।
यस एनी आंसर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसके मेजर्स सर जैसे सम ऑफ डिफरेंस जीरो नहीं नहीं एनी आंसर आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का कोर्स नहीं पढ़ा बोथ साइड ऑफ माइनस में उधर प्लस में भी मीन मॉड मीडियन बराबर हां कौन कह रहा है कि मीन मीडियन मॉड कौन कह सर मोहम्मद ज़ुहेब हां ज़ुहेब बताओ सर जिस डेटा का सर मीन मॉड मीडियन मीन से मतलब कि डेटा सिमेट्रिकल है ना हां तो सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मॉड हम देखते हैं क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यस जिस डेटा का मीन मीडियन मॉड सेम होगा वो हम कहेंगे कि डेटा जो है वो सिमेट्रिकल है उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक नॉर्मल कर्व होगा ना बेल शेप कर्व होता है ना वो एसिम्प्टोटिक होता है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस माइनस इन्फिनिटी तक भी जाता है और उसका जो सेंटर है तो वो बेल शेप होता है उस जिसका मीन मीडियन मॉड बराबर हो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो उसकी खासियत ये होती है कि उसका जो है वो 50% डेटा जो है वो मींस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और 50% डेटा जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है इसी तरह नॉर्मल जो कर्व होता है उसके एरिया अंडर द कर्व प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होता है और उसकी जो है प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 0.5 जो है राइट हैंड साइड पे तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर डिपार्चर है सिमेट्री से तो वो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा ठीक है तो अगर मीन इज ग्रेटर देन मॉड तो फिर वो क्या होगा स्क्यूड होगा सर किस किस्म का स्क्यूड होगा इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा पॉजिटिव स्क्यूड सर पॉजिटिव होगा सर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा ठीक है और अगर मॉड ग्रेटर देन मीन है या मीन लेस देन मॉड है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा नेगेटिव स्क्यूड इसी तरह जो पॉजिटिवली स्क्यूड है कि मतलब है लोअर साइड पे बहुत ज्यादा वैल्यूज है ना और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो उस कर्व का जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट साइड पे होगा और इसका मतलब है हायर साइड पे ज़्यादा वैल्यूज है तो अगर हम इनकम का डेटा ले लें पाकिस्तान का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर हमें देखना है तो वो कैसा है ज़्यादातर लोगों की इनकम जो है कम है ना फ्रीक्वेंसी नेगेटिव स्क्यूड होगा इनकम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है अगर मैं ले लूँ जीरो से लेके 20,000 तक बहुत ज्यादा होंगे ना जिनकी इनकम मंथली इनकम जीरो से लेके 20,000 तक है वो लोग ज्यादा है ना जी सर फिर 20,000 से 40,000 वाले उससे कम है 40,000 से 1,00,000 वाले और कम है तो इसका मतलब ये है कि जो लोअर साइड पे जो है ना ज़्यादा वैल्यूज है ना ठीक देन वी हैव कर्टूसिस सो दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ डेटा इसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल होता है मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो डेटा कितना कंसंट्रेटेड है वो जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के डेटा जो है कितना क्लोज है और कितना जो है वो दूर है तो वो दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन कर्टोसिस का आइडिया है आपको यस नो सर अगर डेटा की जो ज्यादातर वैल्यूज अगर मीन की तरह ज्यादा है तो वो कर्टोसिस होगा यस ज्यादातर वैल्यूज अगर उसके क्लोज है ना डेटा मीन मीडियन मॉड के क्लोज हैं कंसंट्रेटेड है ना
तो वो या तो वो डिस्पर्स होगा, और उसका जो पीक है ना, हम रिलेटिव जो है वो पीकनेस और फ्लैटनेस देखते हैं। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपसे ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? मेरी स्क्रीन यस सर हो रही है। देखिए ये बेल शेप नॉर्मल कर्व है ना, ये बेल शेप होता है, ये नॉर्मल अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना डेटा, अगर नॉर्मल है तो इस तरह का बेल शेप होता है। इसका ये होता है कि ये 50% डेटा इस तरफ होगा, 50% अगर हम इसको फोल्ड करें ना तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है, और 68% डेटा उसके प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है, फिर 95% डेटा जो है वो प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है, और 99.7% तकरीबन 100% आप कह लें वो प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है, ठीक है। फिर आप ये देखें, ये स्क्यूनेस है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका जो मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है, देखें ये सिमेट्रिकल है ना, तो ये इसका जो है ना सब बराबर होते हैं, मीन मीडियन मॉड, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो इसकी जो लॉन्गर टेल है वो राइट हैंड साइड पे होगा, तो मीन इज़ ग्रेटर देन मॉड। तो अगर मीन इज़ ग्रेटर देन मॉड है, मीडियन तो बीच में, तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसी तरह ये नेगेटिवली स्क्यूड है, उसका जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और यहाँ पे मॉड इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है, तो ये इस तरह का कर्व होता है। देन वी हैव कर्टूसिस, तो कर्टूसिस में ये होता है कि इस तरह की शेप होती है, ये अब देखें ये तीनों जो कर्व है ना ये नॉर्मल हैं, इनका अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ ये सेंटर में, तो इन सब का जो है मीन मीडियन मॉड सेम है, तो ये नॉर्मल कर्व है। लेकिन जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पीक, ये कम पीक है, और ये बिल्कुल फ्लैट है ना, तो जो कर्व फ्लैट होता है इसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं, जो नॉर्मल है ये मीसोकर्टिक है, और फिर ये जो है जो बहुत ज़्यादा पीक है वो लेप्टोकर्टिक है। तो इसकी जो वैल्यूज होती है ना वो 3 से ग्रेटर, 3 से लेस, या 3 के इक्वल, अगर 3 के इक्वल है तो फिर वो मीसोकार्टिक है, ग्रेटर देन 3 है तो फिर वो लेप्टोकार्टिक है, कोफिशिएंट ऑफ कार्टोसिस की वैल्यू अगर लेस देन है तो फिर वो प्लेटिकार्टिक है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, ठीक। अब मैं दोबारा आपको लेक्चर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, फिर हम जो है वो नॉर्मेलिटी टेस्ट करते हैं डेटा का कि वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये जार्क बेरा टेस्ट एक होता है, जार्क बेरा टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर जार्क बेरा टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.05
से ज़्यादा आ गई तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को एंड देन वी विल अज्यूम कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको कोई भी डेटा सीरीज हो उस पर आप जार्क बेरा टेस्ट लगा दें तो जो सॉफ्टवेयर है ना ई व्यूज है या एस पी एस एस है उसको आप यूज़ करके देन यू कैन अप्लाई जार्क बेरा टेस्ट एंड यू कैन कन्फर्म वेदर द डेटा इज नॉर्मल आर नॉट। देन इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस वी ऑल्सो डू ग्राफिकल एनालिसिस, उसमें हमारे पास बार डायग्राम्स हैं। तो कौन कौन सी बार डायग्राम है हमारे पास, एनी वन कैन रिप्लाई? हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स, बार डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीगॉन बार डायग्राम, हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता है सर, तो फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम है, मैं दूसरे नॉर्मल बार डायग्राम की बात कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार डायग्राम बनाएंगे तो वो हिस्टोग्राम है ना। और बताएं और कौन से बार डायग्राम है? बोलें यस, सिंपल बार डायग्राम और सर 3D बार भी आ गए तो एक सिंपल बार डायग्राम है, और कौन से बार डायग्राम है? मल्टीपल बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है और कंपोजिट बार डायग्राम है। मैं आपको अभी बार डायग्राम, ठीक है, मैं अभी आपको बार डायग्राम बता रहा हूँ। सर मोस्टली बार हिस्टोग्राम ही होते हैं। जी जी हिस्टोग्राम भी है, मैं और भी बार डायग्राम का पूछ रहा था आपसे, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसको ड्रॉ हम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकता है और लाइन ग्राफ्स? नहीं, लाइन ग्राफ तो बार डायग्राम नहीं है ना, बार डायग्राम मैं आपको भी बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? नो सर। नहीं हो रही? अब वो सर। हो गई ना, ये सिंपल बार डायग्राम वो सर शो हो रही है, ठीक है ना, ये सिंपल बार डायग्राम है जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो पाकिस्तान का ये बताया है। तो आप देखें ये 2005, 2006, 7 हर एक के लिए एक बार बना हुआ है और इससे इसको देखकर हमें क्या लग रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? एनीवन कैन एक्सप्लेन? डेफिसिट जीडीपी सर इंक्रीज कर रही है परसेंटेज में। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसका राइजिंग ट्रेंड है ना, 2005 से 2008 राइजिंग ट्रेंड। ये सिंपल बार डायग्राम है जिसमें, अच्छा ये इस तरह वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हम इसको बना सकते हैं ना दोनों। फिर ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये भी बार डायग्राम, इसमें क्या है एवरेज सैलरी इंक्रीज हो रही है सर क्वालिफिकेशन में, तो सबसे ज्यादा एवरेज की होती है, इसमें क्या नजर आ रहा है जो पीएचडी हैं देखें उनकी सबसे ज्यादा एवरेज सैलरी है, सबसे कम बैचलर की, देखें ना। तो ये इस तरह हम बार डायग्राम बना के, ये यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस है ना जिसमें हम, ये हम इस वक्त जो है ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, ग्राफ बना के बार बना के, ये देखें ये जो है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इससे क्या, इससे क्या इंटरप्रिटेशन होगी, कोई एक्सप्लेन करेगा इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम? ये पाकिस्तान का ही डेटा है,
सर ये शो कर रहा है कि सर इसकी 100% जो है 100% को डिवाइड किया हुआ सर, ऊपर जो तीन कैटेगरी दी हुई है इसका ना एक्सटर्नल डोमेस्टिक और प्राइवेटाइजेशन में सब में 100% को लेके उसके रेशियो के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है जो फाइनेंसिंग है ना जो उसको डिवाइड किया हुआ है। गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग है वो किस किस सोर्स से आ रही है तो आप देखिए 2005 में जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से डोमेस्टिक सोर्स है और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से इस तरह फाइनेंसिंग हो रही है ना 100% जो है ना उसमें से इसका मतलब है आपको रेवेन्यू जो आपका जो डेफिसिट है वो फाइनेंस हो रहा है आपका 55.5% प्राइवेट सोर्सेज से हो रहा है 31.4% जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से हो रहा है और 13.1% जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन से जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये उस तो अब इससे आप क्या नज़र आ रहा है कि ये 2005 है फिर 6, 7, 8 इससे आपको देख के आपको क्या कंक्लूजन निकालेंगे सर ये टोटल फाइनेंसिंग का शेयर जो है ज्यादा है जी डोमेस्टिक 2008 में सर हो गया सर एक जन बोले पहले आप बोलें कौन बोल रहा है सर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है सर 2008 में सर इन्वेस्टमेंट कहां से बीच में आ गया जो सर फाइनेंसिंग सर हां और सर ये जो है प्राइवेटाइजेशन है सर वो बिल्कुल जीरो हो गई है सर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल कम हो गई है 0.0 यस सर और सर ये जो डोमेस्टिक है सर ये मैक्सिमम हो गई है मैक्सिमम नहीं हुई सर कंपैरेटिवली सर जो पिछले हैं नहीं इसको और प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करें और कौन करेगा डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो है सर इंक्रीज हो गई है सर ओवर टाइम जो है ना डोमेस्टिक जो पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो गई है उसका शेयर बढ़ गया है अब देखिए ना पहले इसका शेयर था 31% अब जो है 73.6% ना 6% हो गया तो वो 31.4% से बढ़ के 73.6% अब इसका शेयर है और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जो है ना रिलायंस जो है वो कम हो गया है ना क्योंकि आप एक्सटर्नल बोरोविंग करेंगे ना ये तो ये समझ लें एक्सटर्नल बोरोविंग ही है डोमेस्टिक बोरोविंग है तो एक्सटर्नल बोरोविंग कम हो गई है और अब जो है ना ये 2005 आप अपनी स्टडी के लिए आप स्टडी है केस स्टडी है उसमें आज जो भी हम एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं वो आप यूज करेंगे आप जो है यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस आप अपना जो भी आपके वेरिएबल हैं उनका मीन निकालेंगे मीडियन निकालेंगे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ये सारे मेजर्स निकाल के बताएंगे और अपने प्रेजेंटेशन में इंटरप्रेट करेंगे ना इनको इसी तरह आप सिलेक्ट कर लेंगे आपको कौन सा बार डायग्राम बनाना है किस वेरिएबल का जिससे आप जिस वेरिएबल में आप देख रहे हैं कुछ तरह की चेंजिंग आ रही है तो आप अपने उसका सिंपल बार डायग्राम बनाना है या मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है या कंपोजिट बार डायग्राम बनाना है जैसे भी ये देखें एक बार डायग्राम है मल्टीपल बार डायग्राम है देख रहे हैं हम तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप किस किस्म का जो है वो डायग्राम बनाएंगे इसमें इसमें देखें आप जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉलेज ऑफ साइंस कॉलेज ऑफ बिजनेस ये बता रहे हैं कि इसमें प्रोफेसर 20 हैं फिर ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये प्रोफेसर ये ब्लू फिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अब ये तीनों कॉलेजेस हैं इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा हैं ना हर एक में और ये प्रोफेसर जो है वो कम सबसे कम प्रोफेसर जो है कॉलेज ऑफ आर्ट्स में है ना और सबसे ज़्यादा ये कॉलेज ऑफ बिजनेस में इस तरह पाई चार्ट जो है वो भी एक डायग्राम है ना उसमें ये एक सर्किल बना है ना ये देखें पाई चार्ट है उसमें ये टोटल कितने डिग्री होता है ये सब पूरा सर्किल 360 डिग्री सर 360 डिग्री होता है तो जो भी अमाउंट होता है हम जो उसमें ब्रेकअप होता है उसको हम 360 उसको डिग्री पहले कैलकुलेट करते हैं फिर हम जो है उसको अब तो ये है कि आपको एक्सेल जो है बना के दे देगा पाई चार्ट और ये डायग्राम भी बना के दे देगा तो आप अपने भी केस स्टडी प्रोजेक्ट के जो है ना पाई चार्ट भी एक बनाइएगा बार डायग्राम भी बनाइएगा ये सारी चीज़ें आपको बनानी है एनालिसिस में ठीक है ये नहीं है कि आपने एक इक्वेशन बस रन कर ली वो हो गया
अब मुझे बताएं कि कौन इसको इंटरप्रेट करेगा इसको देखते हुए इस ग्राफ को। सर ये पाई चार्ट जो है 1960 का, ये सेक्टर शेयर कर रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 1960 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका मेजर पार्ट था, उसके बाद इंडस्ट्री थी। और सेक्टरल शेयर किस में सर? 1960 में सर। नहीं, सेक्टरल शेयर किस चीज में बता रहे सर? ये जो हमारे सर जो इकोनॉमी है हमारी टोटल, उसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर है। जीडीपी के अंदर सर ये लिखा है ना, जीडीपी का शेयर सर। जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 1960 में ज्यादा था। सर्विसेज तो क्या सर्विसेज का शेयर कि 1960 में सर जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर ज्यादा था, उसके बाद सर्विसेज का था और फिर इंडस्ट्री का था। लेकिन 2006 में जो जीडीपी है हमारी उसमें सर्विसेज सेक्टर का शेयर इंक्रीज कर गया और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का शेयर डिक्रीज हो गया। तो ये है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा था हमारे जीडीपी में, और फिर 2006 में वो बहुत कम हो गया ना ये शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। और सर्विसेज में कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? सही लॉग आउट हो गए थे। कोई भी लॉबी में नहीं है मेरे पास तो। सर दो स्टूडेंट आ रहे होंगे, बोलने डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ रहे होंगे तब आएंगे फिर देखेंगे ना, अभी तो कोई भी नहीं है। चलिए ठीक है सर। तो अब ये समझ में आ गया कि हम पाई चार्ट भी बनाकर जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, तो आप भी मुझे पाई चार्ट बना के दीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं दोबारा हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड। वी डिस्कस अबाउट बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम भी तो पता है ना आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जब आप उसको प्लॉट करेंगे देन यू विल गेट हिस्टोग्राम, वो भी बार डायग्राम की तरह है। लेकिन बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में एक फर्क क्या है ये कौन बताएगा? यस एनी आंसर सर? सर हिस्टोग्राम जो है वो बेल शेप्ड होती है सर, बार डायग्राम में सर ये नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि हिस्टोग्राम बेल शेप हो सर। हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो तो सही है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज हिस्टोग्राम। वो हिस्टोग्राम ये कह रहा हूँ कि हिस्टोग्राम में भी बार होते हैं और बार डायग्राम में भी बार होते हैं, तो हिस्टोग्राम और सिंपल बार डायग्राम में फर्क क्या है? सर हिस्टोग्राम का डेटा कंटिन्यूस होता है, डेटा कंटिन्यूस होता है हिस्टोग्राम में सर। हाँ, तो फिर ग्राफ में वो कंटिन्यूटी कैसे पता चलेगी हमें? सर वो बिल्कुल सर क्लोजली लिंक होते हैं ना सर, बार जो होते हैं। हाँ, बार के अंदर जो है वो गैप नहीं होगा ना, गैप नहीं होता सर, गैप नहीं होता। हाँ, यही तो मुझे आंसर चाहिए था कि हिस्टोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसका जो बार होगा उसमें गैप नहीं होगा। बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम में जो है वो गैप होता है ना बार में। ठीक है, देन ये है स्टेम एंड लीफ प्लॉट है और बॉक्स प्लॉट है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसमें हम जो है